हिंदी फिल्म चकल्लसपुर 26 मई को देश भर में रिलीज हो रही है। फिल्म के प्रमोशन के लिए चकल्लसपुर की टीम पटना पहुंची हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के ग्रामीण इलाकों में हुई है। फिल्म के कई किरदार गांव के लोगों ने भी निभाए हैं। फिल्म के डायरेक्टर रजनीश जायसवाल ने कहा कि फिल्म की कहानी एक ऐसे गांव की है जिसमें सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। फिल्म के बारे में रजनीश बताते हैं कि चकल्लसपुर गांव एक ऐसा गांव है जो दो राज्यों की सीमा पर सटा है। दोनों राज्य इस गांव को अपना हिस्सा नहीं मानते, इस कारण गाँव में कोई विकास कार्य नहीं होता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। गाँव का बच्चा बिल्लू गाँव छोड़कर दिल्ली चला जाता है। उसको लगता है कि दिल्ली जाने के बाद सभी समस्या दूर हो जाएंगी, लेकिन दिल्ली जाने के बाद मजदूरी करना पड़ता है। कई सालों के बाद गांव में जब बिल्लू की आने की खबर होती है तो सबको लगता है कि बिल्लू दिल्ली से साहब बनकर आ रहा है। बिल्लू को आने से गांव की परेशानी खत्म हो जाएगी। गांव आने पर बिल्लू समस्या दूर करने के लिए पीएम को चिट्ठी लिखता है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।